हेलो स्टूडेंट, टुडे इज़ योर हिंदी पीरियड। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्राएं। ओके, इसको हम लोग बारह खड़ी भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आ से आहा, ये है आ से आहा तक के जो अक्षर होते हैं उसमें हम लोग स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। और का से ज्ञा तक के जो शब्द अक्षर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं व्यंजन। ओके, तो जो स्वर होते हैं उनकी अपनी मात्राएं होती हैं। जैसे देखिए, ये बड़ा आ है, बड़ा की मात्रा ये है। ओके, छोटी ई, ये छोटी ई की मात्रा है। बड़ी ई, ये बड़ी ई की मात्रा है। छोटा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा। ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, और ये है अंक की मात्रा, और ये है हमारी आ की मात्रा। तो इसके पहले की क्लासेस में भी हमने मात्राएं पढ़ी थी, आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, अब इन मात्रक को हम लोग अक्षर पे लगाएंगे, मतलब व्यंजन पे लगाएंगे। जैसे कि हमने अभी बताया था, का से ग्यारह तक के जो अक्षर होते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो पहला व्यंजन हम लोग लेते हैं का। ओके, तो का पे हमने आ की मात्रा लगाई तो ये हो गया का। ओके, फिर ये की, बड़ी की मात्रा लगाई तो हो गया की। छोटा ऊ की तो कु, ये हो गया हमारा कु। फिर ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्री। ओके, और ये हमारा के की मात्रा तो ये हो गया हमारा के। ए की मात्रा कै। ठीक, फिर का पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा को। का में ओ की मात्रा कौ। ओके, का में अंक की मात्रा तो ये हो गया हमारा कंग। और आहा की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा कहा। ओके, चलिए फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। का की कु क्री। ओके, के कै को कौ कंग कहा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे नीचे मैंने कुछ व्यंजन लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है खा, तो अब ऐसे ही आपको खा पे आ की मात्रा लगानी है तो वो हो जाएगा का। के क्या हो जाएगा? वो खा। खा में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो खी, बड़ी की मात्रा तो खी। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ है इस तरह आपको खा पे सारी मात्राएँ लगानी है और उसको पढ़ना है। ओके, किस पे आपको मात्राएँ लगानी है? का पे, खा पे, गा पे, घा पे, चा पे, ना पे और सा पे। और बच्चों, जब आप इसमें मात्रा लगाइएगा तो इसको उच्चारण, मतलब इसको बोलिएगा जरूर। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। कक्का, किक्की, कुक्कू, प्री, के कै, को काओ, कंग कहा। ओके,